सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। सो आज मैं बना रही हूँ साबूदाना खिचड़ी, जो इंस्टेंट बनती है। ना ही इसे भिगाना पड़ता है और ना ही इसे सोक करना पड़ता है। तो हम ये साबूदाना खिचड़ी बहुत ही इंस्टेंट वे में और बहुत ही जल्दी बनाएंगे, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सो साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है और थोड़े से करी लीव्स लिए हैं और दो पोटैटो और 3 से 4 हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम तेल को गर्म कर लेंगे और उसमें हम सबसे पहले डालेंगे जीरा। जीरा के बिना इसमें टेस्ट नहीं आता, जीरा डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देन आपको अगर पीनट्स पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2-3 टेबलस्पून पीनट ऐड कर रही हूँ और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे करी लीव्स। देन हम इसमें पोटैटो भी ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक ये 50% पक ना जाए। गाइस, ये बहुत जल्दी बन जाता है साबूदाना खिचड़ी, ना ही भिगाना पड़ता है ना ही कुछ करना पड़ता है। सो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। देन यहाँ पर मैंने 1 कप साबूदाना लिया है, उसे हम सिर्फ धोएंगे, भिगा कर नहीं रखना है। हम इंस्टेंट साबूदाना खिचड़ी बना रहे हैं तो बस हमें इसे धो लेना है, क्योंकि इसमें डस्ट रहती है, तो इसे धो लेंगे। तो ये हमारा आलू वगैरह भी पक चुका है थोड़ा, 50%। तो इसे एक बार और चला लेंगे। उसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। अगर आप फास्ट के लिए बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक यूज़ करें। मैं ऐसे ही ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल नमक ही यूज़ किया है। और इसे मिक्स कर देंगे। आपको अगर दूसरे मसाले ऐड करने तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें देन हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हमारी खिचड़ी भी बहुत मस्त दिखती है। तो इसे हम चला लेंगे एक बार और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे और 5-6 मिनट तक मीडियम हीट पर पकने देंगे। देन हम इसमें फिर साबूदाना ऐड करेंगे। तो इसे देखिए, थोड़ी देर हमने पका लिया है, एक और बार इसे चला लेते हैं। गाइस, ये साबूदाना खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है क्यों, और ये इंस्टेंट भी बनती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसमें हम ऐड कर देंगे साबूदाना जो हमने सिर्फ धोकर रखा था। तो सारा साबूदाना ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और सभी को अच्छे से कोट होते तक इसे मिक्स करेंगे। और ये देखिए हमारा साबूदाना कितना अच्छा दिख रहा है, बनने के बाद ये और भी अच्छा दिखेगा। गाइस, ये बहुत हेल्दी डिश है, हेल्दी नाश्ता है, तो आप इसे ब्रेकफास्ट में ज़रूर बनाकर खा सकते हैं। तो इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही थोड़ा मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हमने साबूदाने को भिगा कर नहीं रखा था। तो हम इससे पानी डाल देंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। तो इसे एक बार मिला लेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी ऐड करना होता है, बिकॉज़ साबूदाना और आलू सभी चीज़ें पकेंगी तो फिर उसके लिए पानी तो लगेगा। तो ये देखिए हमारी साबूदाना खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है। पूरा पानी भी यहाँ पर सोक हो चुका है और साबूदाना खिचड़ी हमारी कितनी ऑसम दिख रही है। सो गाइस, ये अभी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। बस अभी हम इसमें ऐड कर देंगे कोरिएंडर लीव्स और इसे गार्निश कर देंगे और एक बार चला लेंगे। तो ये हमारी टेस्टी साबूदाना रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर हिट करें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग।